मंदसौर जिले की मलारगढ़ तहसील के पिपला मंडी नगर में अजय टाकीज रोड स्थित ओम ऑटो सर्विस सेंटर के पास मंगलवार की शाम 5:30 बजे करीब एक बंदर एक वृक्ष के नीचे गिर गया, जिसके चलते बंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय रहवासियों ने बंदर गिरने की जानकारी नगर पालिका अध्यक्ष राजन भारद्वाज को दी, जिन्होंने तुरंत डॉक्टर को सूचना कर मौके पर बुलवाया। डॉक्टर ने बंदर को मृत घोषित किया। बंदर के मृत होने की खबर के बाद क्षेत्र में शोक की लहर छा गई और रहवासियों ने विधि विधान के साथ बंदर की शोभा यात्रा निकाली, जिसकी अंतिम यात्रा में भक्तों ने कई दर्शन किए और विधि विधान के साथ दाह संस्कार भी किया। शाम के करीब 5 बजे होंगे, अचानक ऊपर से बंदर गिरा दुकान के ऊपर, आवाज़ आई दराम से, हम देखने गए ऊपर तो घायल अवस्था में था। उसी टाइम पंडित जी को फोन लगाया, वन विभाग को फोन लगाया और पुलिस 100 डायल पर भी फोन लगाया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उसके पंपिंग वगैरह करी, देखी, इलाज किया, तो उसने थोड़ी देर में दम तोड़ दिया। अब सभी मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, दुकानदार सभी ने निर्णय लिया कि इसकी शव यात्रा धूमधूम से निकालें। तो ये हमें पता चला कि एक बंदर गिरकर पेड़ से गिरकर घायल हो गया है, तो हम सभी वहाँ तुरंत पहुँचे, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर से इलाज भी कराया, डॉक्टर ने पंपिंग भी की, परंतु उससे पहले ही बंदर ने दम तोड़ दिया था। तो सभी मोहल्लेवासी एकत्रित हुए, उन्होंने कहा कि भाई अब इसका क्या किया जाए। तो हमने वन विभाग में फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि अब मृत्यु होने के पश्चात तो कोई मतलब नहीं, आप दाह संस्कार कर सकते। तो सभी मोहल्लेवासियों ने सबने निर्णय लिया कि बंदर की शव यात्रा धूमधाम से निकाली जाए। इसी तारतम्य में हमने बैंड बाजे वगैरह किए और बिल्कुल विधि विधान से बंदर का अंतिम संस्कार कर रहे हैं।